इस खबर के पेश करता है अजान टूर्स एंड ट्रैवल्स हजन उमरा ग्रुप आकाश नगर अंबरपेट हैदराबाद डी कैफे स्टूडियो अ स्टूडियो थीम कैफे बिनज़ैद मनी ट्रांसफर सेंड एंड रिसीव मनी अराउंड द वर्ल्ड इन मिनट्स। खुशामदीद नाज़रीन, अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज बल्लागुड़ा का रिकॉग्नाइजेशन कैंसिल होने के बाद कॉलेज में पढ़ रहे तुलबा और उनके सरपरस्तों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज जो अल अज़ीज़िया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी चलाती है वो केना यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलेटेड और रिकॉग्नाइज था। 9 जुलाई बरोज़ मंगल केना यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज का एफिलेशन और रिकॉग्नाइजेशन कैंसिल कर दिया है। कॉलेज में पढ़ रहे तुलबा को 13 जुलाई को काउंसलिंग के बाद निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में मुंतकिल किया जाएगा। 11 जुलाई बरोज़ जुमरात तुलबा और उनके सरपरस्त अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज में जमा हुए और उन्होंने बरहमी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए तुलबा ने कहा कि 2018 से उनका रिजल्ट नहीं आया है, मैनेजमेंट उन्हें डराकर ब्लैंक पेपर पर साइन ले रहा है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से इंसाफ के लिए दुहार भी लगाई है। तुलबा के सरपरस्तों ने कहा कि उनसे मोटी मोटी फीस लेकर एडमिशन्स किए गए थे और सालाना उनसे तगड़ी फीस वसूल की जा रही है और उन्हें कच्ची रिसीप्ट दी जा रही है। इस सिलसिले में सुनते हैं तुलबा, उनके सरपरस्त और अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान। ये हमारे पैसे कौन देना सर, ये तो है ना। वो पूछ एक चीज है भाई, अब जो कोर्ट का जो चल रहा ना, नहीं वो तो सर हम सुन रहे ना भाई, हर वक्त सुन रहे हैं। कोर्ट अगर पूरे को डिस्चार्ज कर दे, कोर्ट का जो जजमेंट आने वाला है, पहले भी कोर्ट जब आने वाला रहता तो बच्ची का जैसा रिजल्ट के सामने आ जाता था। जजमेंट देखो माँ, वैसे बोला था आपका एडमिशन एग्जाम में भी बिठाने के लिए सब दिया सर, वही आपके भरोसे पे रहे ना। अभी तक कोर्ट ही दिया ना, जज ही दिया ना, धोखेबाजी से मालूम धोखेबाजी से क्या क्या करके लेके आई थी। बट बच्ची एग्जाम तो लिखे ना, रिजल्ट कहाँ में है ना, फिर दो महीने के एग्जाम की डेट आती ना सर। जर्रा वो जजमेंट है तो सवाल करो, नहीं अगर जजमेंट है तो आपको डायरेक्ट निजाम में शिफ्ट करते ना, वो शिफ्ट करते हमारे बच्चों का सर। आपके बच्चों का भी, आपके बच्चों का ट्रीटमेंट है तो उधर शिफ्ट करते, शिफ्ट करते ना भाई, बहुत अच्छी बात है। हम आपको भूल कहा आपके नहीं, ऐसी बात ही नहीं है, लेकिन नियत तो सूरत ही पर हम इसलिए क्या भरोसा नहीं है। नियत तो सूरत में या मैनेजमेंट कुछ कम्पनसेशन पे करती या क्या है। अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है हम लोग का एडमिशन 2017 में लिया गया, सीट कन्फर्म, अभी तक हमारी सीट कन्फर्म नहीं हुई। और हम लोग एग्जाम लिखे थे आप? हाँ हम लोग एग्जाम लिखे थे, अभी तक रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ। विदाउट हॉल टिकट लिखे हम लोग एग्जाम। अब मैनेजमेंट में थे, काउंसलिंग में थे? अब मैनेजमेंट से है हम लोग। फीस भरे थे पूरी आप? हाँ फीस पेमेंट पूरी हुई। कितनी थी फीस? 3 लाख पर ईयर। अब क्या बोल रहे मैनेजमेंट वाले? मैनेजमेंट वाले होता थोड़े कोर्ट में केस चल रहा, 2 साल से डेट पे डेट देते जा रहे हैं, ये डेट पे आएगा वो डेट पे आएगा, अभी तक कुछ भी नहीं है। आप लोग दुआ करो, बस यही बोल रहे हैं। और आप लोग को बंद कर रहे थे क्या कोई घर? हाँ कॉलेज में लॉक कर रहे थे जी। हाँ कल ही साइन करते वक्त मैम बोले कि ये साइन करे तक नीचे नहीं जाना, लॉक कर दिए। हाँ ब्लैंक पेपर पे मैटर भी पढ़ने नहीं दे रहे। और ये एक वक्त ही का बात नहीं है, हमेशा ऐसे ही मैटर बगैर पड़े कि हम लोग साइन कर रहे हैं प्लेन पेपर से। आए 50 स्टूडेंट आए थे, उसमें से 19 का हो गया नीट अपियर थे, उसमें से 11 बच्चों का जो टोटल 30 थे नीट अपियर, वो 30 में से 19 का हुआ, 11 का नहीं हुआ। और 20 भी हमारे 7 बच्चे थे और उन लोग का भी नहीं हुआ एडमिशन। अब हम लोग ये चाह रहे कि हमको पैसे सर्टिफिकेट कोई भी ला के दे देते, पैसे सर्टिफिकेट हमारे मिल जाते, लेकिन हमारा जो साल गया, जो 3 साल बर्बाद हुए, वो कौन ला के जाते। हम बस यही गवर्नमेंट से बोलना चाह रहे कि हमको हमारी सीट होना, बस और कुछ नहीं होना। हमारे हुकूमत से यही अपील कर रहे कि हमको सीट दे दो बस, और बच्चों का करियर खराब मत करो, जो 3 साल खराब हो रहे हैं वो खराब मत होने दो। जो 2014 में एस्टेब्लिश हुआ, हम 2017-18 में जो एडमिशन लिए, हमारे बच्ची एमसेट मतलब भाई बमसेट था, बमसेट नहीं रहने की वजह से नीट बोल के नीट अगर जो सेंट्रल का था वो लागू हुआ, लेकिन हमारी बच्ची सेंट्रल द नीट में नीट लिखी हुई थी, आके यहाँ पे काउंसलिंग में नहीं आने की वजह से ये अल आरिफ यूनियन मेडिकल कॉलेज में आके मैनेजमेंट कोठे में थोड़ा अमाउंट बात कर लेके हम प्राइवेट बाय करके हम सीट लिए। उसके बाद यहाँ पे बाद में एक 6 महीने के बाद मालूम हुआ यूनिवर्सिटी ये जो
50 बच्चों का सीट कैंसिल कर दी जो मैनेजमेंट से लिए थे, जिनमें से 19 बच्चों का 50 बच्चों का मैनेजमेंट कैंसिल हुआ, 50 बच्चे कन्वीनर, पूरे 100 सीटों का कॉलेज है ये फर्स्ट ईयर, लेकिन बाद में फायर भी करने से उसे 19 बच्चों को नीट लिखे बोल के उन लोगों को एडमिशन दिए, लेकिन उसमें हमारी बच्ची भी और 11 बच्चियां भी एमसी नीट लिखी हुई है, मेरे हिसाब से नीट लिखी हुई है, लेकिन 19 बच्चों को एडमिशन दिए और 11 बच्चों को नीट लिखे हुए वालों को नहीं दिए, बाकी के 20 बच्चे नीट नहीं लिखे थे उन लोगों को भी एडमिशन लेके एक एक के पास 10 लाख लिए, 15 लाख लिए, 18 लाख लेके यहाँ पे एडमिशन लिए, लेकिन 19 बच्चों को एडमिशन मिला, हमारे नीट लिखे वाले 11 बच्चों को भी एडमिशन नहीं मिला। हम अगरचे मैनेजमेंट से अगरचे पूछेंगे तो उन्हें एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई नीट लिखे वालों को आया, तो हमारी बच्ची भी नीट लिखी हुई है, हमारी बच्ची से भी रैंक कम आए वाले बच्चों को आज एडमिशन मिला, लेकिन 11 बच्चे जो है उनसे भी जो 19 बच्चों से भी ज़्यादा रैंक आए वाले बच्चे हैं, मगर उन लोगों को नहीं मिला, इन लोगों को कैसा मिला? हमारी यूनिवर्सिटी के हम सवाल कर रहे हैं, क्योंकि 19 बच्चों को मिला, 11 बच्चों को क्यों नहीं मिला? तो क्या समझ के आप लोग 19 बच्चों को दिए, 11 बच्चों को नहीं दिए? देना रहा तो 30 बच्चों को भी अगर नीट लिखे सवालों को देना था, लेकिन 19 बच्चों को देके 11 बच्चों को नहीं दिए, लिहाजा हम यूनिवर्सिटी से, कालोजी नारायणा हेल्थ यूनिवर्सिटी से डिमांड कर रहे हैं कि वो 19 बच्चों के साथ साथ ये 11 बच्चों को भी नीट के जरिए जो इम्तिहान लिख के पास हुए थे उन लोगों को भी ये कॉलेज में एडमिशन देना बोल के हमारा एक डिमांड है, और उसी के साथ साथ ये कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में कल दो यहाँ आदमी हमारे मैनेजमेंट से अगर जो पूछे तो उन्होंने कह रहे हैं कि कोर्ट में जजमेंट रिजर्व करा किया गया है, लिहाजा दो रोज़ में रिजल्ट आता बोल के, लेकिन कल हफ्ता 13 तारीख के रोज़ बच्चों को ले आके वहाँ पे काउंसलिंग है, तो हमारे ये 11 बच्चों का और 20 बच्चों का क्या करना समझ में नहीं आ रहा, आज तक मैनेजमेंट भी कुछ उसके बारे में कुछ बात जवाब नहीं दे रही, हम जो भी पैसे बंधे थे मैनेजमेंट को, लेकिन मैनेजमेंट इतनी होशियार है कि हम जो पैसे बंधे थे पैसे की 2 लाख की रसीद, ये रसीद दिए 2 लाख की रसीद ये है, और हमारे एक स्टूडेंट्स कहाँ हैं कच्ची रसीद वाले कहाँ, स्टूडेंट्स के वालिद को ये रसीद पे 5 लाख रुपए की रसीद है, ये अल यूनियन अल आरिफ यूनियन मेडिकल कॉलेज की तरफ से, ये पीछे भी है बैठ कर की सीटी वो पीछे, जब कॉलेज में फीस डोनेशन फीस ले रहे हैं तो ओरिजिनल रसीद देना चाहिए, लेकिन ऐसे टैबलेट्स मिलने के इसमें चिट्ठियों पे लिख के दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? तो ये कॉलेज में क्या फ्रॉड चल रहा समझ में नहीं आ रहा है, लिहाजा आज गवर्नमेंट जो निज़ामिया तिब्बी कॉलेज को ये बच्चों को शिफ्ट कर रही है, उसके साथ साथ हमारे ये 11 बच्चों को भी और नीट नहीं लिखे वाले 20 बच्चों को भी उसमें यूनिवर्सिटी से हमारे को शिफ्ट करके बच्चों को इंसाफ देना बोल के हमारी तरफ से हमारे जितने भी यहाँ पे आल आरिफ यूनियन कॉलेज सेकेंड ईयर के जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से हम अपील करते हैं, कॉलेज से अपील करते हैं कि बच्चों को भी इंसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अजीम अहमद सईद हूँ, प्रिंसिपल अल आरिफ यूनियन मेडिकल कॉलेज। अब जो मौजूदा हालात के अतबार से मौजूदा हालात से जो गुजर रहे हैं उसकी वजह ये है कि 9 तारीख के दिन जो है के एन आर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस एक लेटर इशू की है, जिसमें कॉलेज का जो रिकॉग्नाइजेशन दिया गया था पहले उस रिकॉग्नाइजेशन को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, और उसी लेटर में जो है एक हवाला है, रेफरेंस है, जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो एनओसी इशू करती है वो एनओसी को भी कलदम करार दिया गया। तो ये लेटर देते हुए ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि यहाँ के बच्चों को जो भी यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं इन तमाम स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज को शिफ्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन है, और उन लोगों के लिए जो है हफ्ते के दिन 13 के दिन जो है वो
کاؤنسلنگ رکھے ہیں جس میں تمام اسٹوڈنٹس اس میں شریک ہونا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں شفٹ کرنے کے لیے آرڈرس ایشو کیے ہیں۔ سر جو آپ سیکنڈ ایئر میں گئے وہ لگی موسم کیسا؟ ہاں تو ان لوگوں کی کاؤنسلنگ کے لیے کورٹ میں کیس تھا، کل وہ کیا بولتے ہیں آرڈرز ریزرو ہو گئے، ہو سکتا ہے کل بھی آئے منڈے بھی آ جائے، وہ پروناؤنسمنٹ آف آرڈر میں آتے ہیں، اس کے لیے ہم انتظار کرنا پڑے گا۔ تو سر کنٹینیو سے سیکنڈ ایئر سے ہوتا ہے لوگ کا؟ جہاں اب ہیں وہ لوگ وہاں سے ان کو کنٹینیو ہوتا ہے، اگر ججمنٹ ہمارے حق میں آ گیا تو ان کو کوئی لاس نہیں ہوتا، جہاں ہیں وہاں سے کنٹینیو ہوتا ہے۔ اگر ججمنٹ خلاف تو نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم امید سے مینجمنٹ اور سب مل کے اس امید سے ڈالے ہیں کہ بچوں کے حق میں ہونا چاہیے، اور ہم جو بھی کوششیں کیے ہیں جتنے بھی وہ کیے ہیں اس سے ہمارے کو پازیٹیو رزلٹ کی امید ہے۔ اور بہت جنے کمپلین بھی یہ کر رہے تھے کہ فرسٹ ایئر کا رزلٹ وتھیلڈ ہے۔ جی بس فرسٹ ایئر کا رزلٹ وتھیلڈ ہی ہے، وہ کورٹ کے کیس میں ہی ہے، اس کے باوجود بھی کورٹ آرڈر دیا کہ سیکنڈ ایئر ایگزام لکھنے کے لیے ہوئی۔ کتنے اسٹوڈنٹ ہے؟ 31 اسٹوڈنٹس ہیں۔ ایڈمیشن ایئر؟ جی ایڈمیشن ایئر، ایڈمیشن ایئر 2017-18 کیونکہ لاسٹ ایئر ایڈمیشن نہیں ہوا، اس سال بھی ایڈمیشن نہیں ہوا۔